है कुरान ओ अहले बैत। कच्ची नाए हयात है कुरान ओ अहले बैत। हम रुकवा हम सिफात है कुरान ओ अहले बैत। अब इस जिक्र को जबान से कल्ब में लेके जाना है। क्या करें, कल्ब को पाक करना पड़ेगा। अभी जो कल्ब है, ये जो दिल है, अब इस दिल में सिर्फ वो रहे और कोई नहीं रह सकता। अब आप बोले नहीं ये भी हो वो भी हो, नहीं, यहां गुंजाइश नहीं है। ये फ्लैट नहीं है कि हर फ्लोर पे कोई और रहेगा। यहां पर सिर्फ एक ही मंजिल है और इस एक मंजिल में सिर्फ विलायत उतर सकती है, सिर्फ विलायत उतर सकती है। अब और कोई गुंजाइश नहीं। अब विलायत ना उतरे तो ये वजूद नजिस हो जाते हैं। अब ये क्यों नजिस होते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है कि हमने नजासत को इनसे दूर कर दिया है। अब जितना जो पाक होता जाएगा वो उनके उतना करीब होता जाएगा। अब हम बातों का कोशिश करते हैं, भाई इनकी समझ में नहीं आ रहा, इनकी समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगा समझ में, ऐसे समझ में नहीं होता। वजूद पाक करने पड़ते हैं, पाकीजगी इनके यहां किसी और चीज से है। इनके यहां कौन ज्यादा नजदीक है, ज्यादा पाक है, जो इनके रास्ते पर जब कदम रखता है, जब कदम रखता है, मैं समझ में नहीं आएगा। एक शख्स है मदीना में जो रसूल से मोहब्बत करता है, रसूल से मोहब्बत करता है। वो रसूल से मोहब्बत होनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि कुरान कह रहा है हमने तुम्हारे लिए उस्वा हसना यानी नमूना अमल यानी रोल मॉडल रसूल की जात को बनाया हुआ है। कुरान कह रहा है, अब हमें कुरान की बातों पर अमल करना चाहिए। हम कितना अमल करते हैं ये अलग बात है। कुरान ये कह रहा है, अब वो भी मदीना में रहता है, अब उसको रसूल से मोहब्बत है, रसूल से इश्क है। अब वो जब भी रसूल के पास पहुंचता है तो देखता है कुछ सहाबी पहले से बैठे हुए। अच्छा, क्योंकि इश्क करता है तो थोड़ा सा गुस्सा आता है कि मैं देर हो गई, मुझे देर हो गई, वो चाहता है कि मैं सबसे पहले पहुंचूं। एक दिन बहुत जल्दी घर से निकलता है तो क्या देखता है कि एक ही कदमों के निशान है। खुश होता है, आज मेरे से पहले कोई पहुंचा नहीं। मगर जैसे ही मस्जिद में दाखिल होता है क्या देखता है, सलमान पहले से बैठे हुए हैं, सलमान पहले से बैठे हुए हैं। अब ये अजीब हो जाता है कि सब आसमान फटा, जमीन फटी, क्या हुआ, या रात को मस्जिद में थे। कहा नहीं ऐसा नहीं है। कहा तो फिर कब आए, कैसे आए, कोई कदमों का निशान नहीं है। कहा मैंने अपने कदमों को रसूल के कदमों में रखा ताकि मेरा वजूद नजर ना आए। ये है इश्क, ये है विलायत। अपना कोई वजूद नहीं है, सब यही है, सब यही है। अब ये कैसे, जाहिर है हजरत सलमान ने करके दिखाया। तभी रसूल ने कहा सलमानु मिन्ना अहले बैत, सलमान हमारे अहले बैत में से। ये मोहब्बत चाहिए उनको और ये मोहब्बत अमल से नजर आएगी। और अमल कैसे आएगा, जब कल्ब धड़केगा, जब कल्ब धड़कता है तो खुद बा खुद अमल होता है। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.